वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है केएस तोमर। एजुकेशन से जुड़ी इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है केएस तोमर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा जो सभी इग्नू स्टूडेंट को ध्यान रखने जरूरी है। बिकॉज जब भी आप इग्नू में फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं तो आपको काफी सारी चीजें नहीं पता होती हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वन बाय वन कौन से वो 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे। सबसे पहला पॉइंट है असाइनमेंट का। जब भी आप इग्नू यूनिवर्सिटी में एडमिशन देते हैं आपको अपने असाइनमेंट्स जरूर बनाने होंगे। बिकॉज इग्नू के ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज में असाइनमेंट एक कंपल्सरी प्रोसेस होता है जो आपको जरूर करना होता है, यानी कि आपके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनते हैं और वो सभी असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करने होंगे। असाइनमेंट आपको अपने स्टडी मटेरियल से फाइंड आउट करके उनके आंसर्स बनाने होते हैं और अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करने होते हैं। बिकॉज असाइनमेंट का 30% वेटेज आपके ग्रेड कार्ड में ऐड किया जाता है, सो इसलिए जरूरी है कि आप अपने असाइनमेंट्स बनाएं और दिए हुए टाइम पर अपने स्टडी सेंटर पे उसे सबमिट करें। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम फॉर्म, यानी कि इग्नू में जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं देन उसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी सबमिट करना होता है। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे देन आप इग्नू के जून सेशन या दिसंबर सेशन के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन का, यानी कि इग्नू में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इग्नू से आपने बीए में एडमिशन लिया है, तो आपको सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये कंपल्सरी प्रोसेस है। इसको किए बिना आप सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए इग्नू की वेबसाइट पर आपको जाना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने नए सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के स्टूडेंट अड्डा चैनल पर अपलोड की हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। जो फोर्थ और फाइनल इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है स्लिप। स्लिप में सिर्फ असाइनमेंट को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन की स्लिप, आपके एडमिशन की स्लिप, आपके असाइनमेंट्स की स्लिप, यानी कि टोटल ये 3 चीज़ें और ये 3 स्लिप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं या एडमिशन लेते हैं या असाइनमेंट सबमिट करते हैं उसके बाद आपको फी स्लिप या एडमिशन कन्फर्म होने की स्लिप मिलती है, उसको आप अपने पास जरूर रखें, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन आप उस स्लिप को ले जाकर अपने रिजल्ट सेंटर जाएं और उसके थ्रू अपने सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। सो ये सभी पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उन सभी स्टूडेंट के लिए, खास तौर पे जो इग्नू में न्यू एडमिशन लेते हैं। बिकॉज इग्नू फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने के बाद काफ़ी सारी बातें हमारे मन में चलती हैं, तो उस समय काफ़ी चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, तो वो सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू भी ले सकते हैं और आने वाली वीडियोस में मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।